हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बटनेर IAS। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपना 10th NCERT का लास्ट चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। देखिए, अब तक हमने स्टडी किया था, हमने इंडस्ट्रीज़ को स्टडी किया, इंडस्ट्रीज़ यानी कि अलग अलग उद्योग को हमने स्टडी किया। उद्योग को बारे में हमने देखा कि ये क्या है, डिमांड्स यानी कि प्रोडक्ट्स बनते हैं डिमांड के ऊपर, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं या गुड्स बनती हैं, सामान जो भी है वो बनता है। ये सामान किसके कारण बनता है, जब किसी भी चीज़ की डिमांड होगी, मांग होगी, डिमांड होने पर या मांग होने पर क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ जाएगा, वो मार्केट में जाएगा, मार्केट यानी कि बाजार में जाएगा। अब मार्केट से बाजार तक जाने के लिए यानी कि ये जो बीच का जो रास्ता है, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात की ज़रूरत होगी। अब अगर हम यातायात को देखें तो यातायात के अलग अलग पार्ट्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखें कि लाइफलाइन जो हम इसको नेशनल इकोनॉमी की हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैं या रॉ मटेरियल को लाना ले जाना है, बार बार हम कहते हैं कि ये सब जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं कहाँ होती हैं, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम पड़े। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेजर रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी के लिए, चाहे गुड्स को लाना ले जाना हो या हमें खुद को आना जाना हो, लोगों को हमें एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। अब एंशियंट टाइम को हम स्टडी करें, हिस्ट्री को हम देखें, तो क्या था उस समय में, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे वो बहुत डेवलप नहीं थे, हम पैदल घूमते थे या जो कार्ट्स हैं, बैलगाड़ीज हैं, उनको हम यूज़ किया करते थे व्हील की डिस्कवरी के बाद में। तो धीरे धीरे टाइम बींग के साथ जो चेंजेस आते गए, टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते गए, डेवलपमेंट होता गया, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी सुधार होता चला गया। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल हम देखें कि जो ट्रांसपोर्टेशन है साथ ही साथ किससे जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से भी जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन से कैसे, सपोज हम कहीं अभी हमें ट्रेवल करना है, हमें ट्रेन से हमें कहीं जाना है, ट्रेन की टाइमिंग है 7 बजे की, अब 7 बजे हम स्टेशन पर पहुँच कर खड़े हो जाते हैं, और सपोज़ वो ट्रेन क्या है 2 घंटे लेट है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेशन पर बैठे वेट करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार की हम बात करते हैं, उसके डेवलपमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन में तुरंत जो है ट्रैक चेक करते हैं कि हमारी ट्रेन का प्रॉपर जो है प्लेस कहाँ है, कहाँ तक हमारी ट्रेन पहुँची, उसका जो अराइवल टाइम है वो क्या होगा, इनकी कितने बजे हमारी ट्रेन पहुँचेगी, उस हिसाब से हम अपने स्केड्यूल बना सकते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, इनकी हमने जो अपने 2 घंटे का टाइम था उसको हमने सेव किया और उसको हम अपने किसी एफिशिएंट वर्किंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है वो हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें या हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन तो ये सब क्या है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन से सिर्फ क्या होगा, सिर्फ लोग ही आएंगे जाएंगे नहीं, ट्रेडिंग भी होगी। तो हम ये देखें तो ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन यानी कि व्यापार यातायात और जो है संचार, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि एक के डेवलपमेंट से दूसरा ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। ट्रेड हम देखें पहले के समय को और आज के समय को हम कंपेयर करें, तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग को एक्सपेंड किया, ट्रेडिंग एक्सपेंड हुई तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन एक्सपेंड हुआ, कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुआ तो हमने ट्रेडिंग को भी एक्सपेंड किया, यानी कि डिमांड्स और सप्लाई का जो नेटवर्क था वो हमारा एक्सपेंड होता गया। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन है। अब हम देखें कि जो ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं कि ये कितने टाइप का होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधनों की अगर हम बात करें, तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं लैंड, वाटर और एयर, यानी कि ज़मीन पर जो यातायात होता है या एयर के अंदर, वायु के अंदर जो यातायात होता है, और जो वाटर यानी कि पानी के अंदर यातायात होता है। तो लैंड जो वेज है या लैंड के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पर हम 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। रोडवेज जिन्हें हम सड़क कहते हैं, रेलवे जो हम रेल की पटरियाँ कहते हैं, पाइपलाइंस जिनके थ्रू जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं मेनली उनको भेजा जाता है।
वाटरवेज की हम बात करें तो इनलैंड और ओवरसीज, इनलैंड मतलब जो हमारे नदी तंत्र है हमारा, जैसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र इन सब की बात करें जो मेजर रिवर्स हैं, तो हमारे देश के अंदर ही अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्या कह देते हैं, इनलैंड यानी कि आंतरिक जल परिवहन, और ओवरसीज यानी कि समुद्रों के थ्रू, यानी कि जब हम एक जगह एक बाउंड्री से निकल कर अपने देश की दूसरी बाउंड्री में एंटर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरसीज यानी कि समुद्रिक परिवहन। एयरवेज की हम बात करें तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू उड़ान जैसे हम कहते हैं, और इंटरनेशनल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। तो ये बहुत नई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हम जिनके बारे में जानते हैं। अब हम एक एक वेज को यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के एक एक मेन को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रोडवेज यानी कि सड़क परिवहन को। सड़क परिवहन में हम अगर हम देखें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा सड़कें हैं, जो वर्ल्ड के नेशंस हैं जिनमें सड़कों का जाल यानी कि नेटवर्क ऑफ रोड मैक्सिमम है, उन्हीं देशों में से एक जो है वो इंडिया भी है। वो हम देखें लेंथ लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर का जो नेटवर्क है ओवरऑल सड़कों का, इतना भारत के अंदर पाया जाता है। तो वर्ल्ड की अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि देश के सबसे बड़े नेटवर्क वाले देशों में से, सड़क नेटवर्क वाले देशों में से भी भारत एक है। सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जिसे हम कह सकते हैं या सबसे ज़्यादा सुटेबल हम जिसे कहें वो सड़क परिवहन ही है। हालांकि यातायात की जैसे कि अभी हम आगे स्टडी करेंगे तो और बहुत सारे साधन हैं, मीन्स हैं, लेकिन फिर भी जो सड़क परिवहन है उसको क्यों सबसे अच्छा माना जाता है, अगर रीजंस हम देखें, कारणों की अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा है कि सड़क परिवहन ही ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल है, तो सबसे पहला जो कारण है कंस्ट्रक्शन रेट यानी कि जो निर्माण लागत यानी कि सड़कों के निर्माण के अंदर जो कॉस्ट पड़ती है यानी कि जो खर्चा आता है वो कंपैरेटिवली कम पड़ता है, सस्ता होता है, यानी कि सड़कें बनाना हमारे लिए बाकी के साधनों से सस्ता पड़ता है। ऑन हायर ग्रेडियंट्स यानी कि ऊंचाई पर, जैसे हम ऊंचाई के इलाकों में जाते हैं, पहाड़ी रस्तों पर हम जाते हैं, तो पहाड़ी रस्तों पर सड़कों को बनाना ज़्यादा ईजी है। हायर ग्रेडियंट यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में जो सड़कें बनाना ज़्यादा ईजी है। डिसेक्टेड टोपोग्राफी यानी कि विच्छिन्न जिसे आप कहते हैं, उबड़ खाबड़ यानी कि टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रस्तों पर भी जो सड़कें बनाना है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर हमें रेल बनानी हो, पटरियां बिछानी हो, तो हमें पटरियां किस तरीके से, हम कितना जिगजैग उसको करेंगे, लेकिन पहाड़ी रस्तों पर हम देखते हैं कि जो रोड्स हैं किस तरीके से बिल्कुल सर्पिलाकार होती हुई घूमती हुई जो है वो चलती चली जाती हैं, तो वो इजी है, कन्वीनियंट है हमारे लिए और कॉस्ट वर्दी यानी कि सस्ती पड़ती हैं कंपैरेटिवली। इकोनॉमिकल यानी कि हम देखें तो ओवरऑल इकोनॉमिकल सस्ता हमें पड़ता है, तो इकोनॉमिकल व्यू से भी हमारे लिए अच्छा है। डोर टू डोर सर्विस यानी कि डोर टू डोर से ये नहीं है कि हमारे घर तक हमें छोड़ेगी, डोर टू डोर मतलब कि हमें बीच के जो स्टेशन्स हैं, जैसे ट्रेन्स की हम बात करें प्रॉपर जो स्टेशन्स हैं वहीं पर उनका स्टॉपेज होता है, लेकिन बसेस जो होती हैं बीच वाले जो छोटे एरियाज हैं जैसे गाँवों की हम बात करें तो उन गाँवों में भी वो क्या करते हैं, स्टॉपेज हमें दे देते हैं। तो इस तरीके से हम देखें डोर टू डोर जो है सर्विस हमें अवेलेबल रहती है, कम लोगों को कम सामान को एक साथ लाना ले जाना सस्ता पड़ता है हमें सड़क परिवहन के थ्रू। फीडर टू अदर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनके लिए भी एक फीडर का काम करता है, यानी कि उनको भी ये बढ़ाने का काम करता है। जैसे सपोज किसी पोर्ट से यानी कि किसी वाटरवेज से कोई भी सामान आया, सामान आने के बाद वो सड़कों के थ्रू कहाँ जाएगा, दूसरे सपोज हमें रेलवे तक ट्रैक तक पहुँचाना है तो वो सड़कों के थ्रू जाएगा, तो वाटरवेज और रेलवेज इनके बीच में इसने क्या किया, कनेक्टिविटी का काम किया और इसको भी बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हमें पर्टिकुलर जो रेलवे ट्रैक तक अगर हमें पहुँचाना है तो बीच में हमारे पास रास्ता है, वो पॉसिबल क्यों हो पाया, रोडवेज के थ्रू। तो इस तरीके से जो रोडवेज है दूसरे ट्रांसपोर्टेशन को भी इम्प्रूव करता है, फीडर यानी कि उनको बढ़ाने का काम करता है। रोड डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यानी कि रोड की लेंथ जो है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो लेंथ रहती है रोड की उसे को हम रोड डेंसिटी कहते हैं। अब हम बात कर देंगे कुछ टाइप्स की यानी कि सड़कों की कुछ प्रकारों की। सबसे पहली बात तो जैसे कि हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल यानी कि कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। पक्की सड़कें हम जानते हैं जो सीमेंट कोल ऑक्साइड इन सबसे बनाई जाती हैं, और नॉन मेटल यानी कि कच्ची सड़कें जो हमें मोस्टली गाँव में जो पक्का कच्चा रास्ता हमें मिलता है
और मोर देन हाफ ऑफ दी जो रोड्स हैं वो हमारी कैसी हैं, नॉन मेटल हैं, यानी कि कच्ची सड़कें ज़्यादातर हैं। इसके बाद हम टाइप्स की बात करें तो नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, यानी कि राष्ट्रीय मार्ग, जो राज्य राजमार्ग और जिला स्तरीय राजमार्ग। अब हमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हाईवेज होते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, नेशनल हाईवे, जिसे हम कहते हैं NH, राष्ट्रीय सड़क मार्ग, हिंदी में हम इसे लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। स्टेट हाईवेज को हम लिखेंगे राज्य राजमार्ग। और डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारा जिला राजमार्ग। तो जो हमारे देश के मुख्य शहरों को जोड़ रहे हैं वो नेशनल हाईवेज हो जाएंगे, जो स्टेट्स को जोड़ रहे हैं, स्टेट्स के अंदर से जा रहे हैं वो हमारे स्टेट हाईवेज, और जो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, जिला राजमार्ग यानी कि डिस्ट्रिक्ट हाईवेज। नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें तो इनकी मेंटेनेंस का काम, जो सड़कों को बनाने का, उनकी मरम्मत का, ये सब जो काम काज है वो कौन देखेगा, CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब हम कुछ हाईवेज की, नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग था NH1, जिसे शेरशाह सूरी रोड भी कहा जाता है, जो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने का काम करता है। जो NH8 है, ये मुख्य राजमार्गों की हम बात कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 8 जो है वो दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने का काम करता है, और NH7 जो है जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। तो ये है हमारे कुछ नेशनल हाईवेज। स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें तो PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे कि हमने अभी लिखा लोक निर्माण विभाग जो है वो इसको मेंटेन करता है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज की हम बात करें तो उनको बनाने का, उनकी मरम्मत का, उनकी देखभाल का, मेंटेनेंस का काम जिला परिषद करती है। इसके अलावा हम देखें जैसे रूरल एरियाज के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो सड़कें बनती हैं वो बनती हैं PM ग्रामीण सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। इसी तरीके से बॉर्डर्स पर जो हमारी रोड्स होती हैं, बॉर्डर्स हमारे कहाँ कहाँ हैं, जो लैंड एरिया है हमारा नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो हमारी सड़कें होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, बॉर्डर रोड्स कहेंगे। इसी तरीके से जो हमारा मेन है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये क्या करता है, हमारे देश के चारों पॉइंट्स को नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से जो है हमारा एक जो स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब इसमें हम देखें ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि यहाँ ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट के अंदर जो है हमारा सिलचर को जोड़ता है ये सिलचर, और इधर हमारा वेस्ट में गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में पोरबंदर, पोरबंदर को जोड़ता है। नॉर्थ की हम बात करें तो यहाँ श्रीनगर से साउथ में हम देखें जो हमारा लास्ट साउथ पॉइंट है कन्याकुमारी। तो इस तरीके से इन चारों एरियाज को जोड़ने का जो काम कर रहा है जो उनसे हाईवेज, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये हमने कंप्लीट किया हमारा रोडवेज, अलग अलग रोड्स को हमने पढ़ा और रोड्स के कुछ फैक्टर्स जो है उनके बारे में हमने स्टडी किया। रोडवेज के बाद अगर हम बात करें रेलवेज की, यानी कि रेल परिवहन की, रेल परिवहन, तो रेल परिवहन का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे फिजियोग्राफी पर, इकोनॉमी पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर। जैसे हम एग्जांपल लें हिमालय रीजन की हम बात करें, जो पहाड़ी इलाका है, बहुत हायर एल्टीट्यूड्स हैं, वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक्स है वो बिछाना बहुत ही मुश्किल है, जिसे हम अनफेवरेबल कंडीशंस मानते हैं। वहीं हम नदन प्लेन्स की बात करें तो प्लेन एरियाज़ है,
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए सुटेबल कंडीशंस जो है वो रेलवे ट्रैक के लिए हमें अवेलेबल रहती है, तो फेवरेबल कंडीशंस हैं। वहीं हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स के ऊपर अगर हमें रेलवे ट्रैक बनाना है तो हमें ब्रिजेस बनाने होंगे, तो इस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी और हमें रिस्की भी काम रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करते हुए इसे बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखें तो पिछले 150 सालों के दौरान जो रेलवेज है वो बहुत तरक्की करके गई हैं, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उस समय में शुरुआत हुई थी, यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान लाने ले जाने के लिए जो रेलवे ट्रैक्स उन्होंने बिछाने शुरू किए थे। यहाँ पर हम देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट है डायमंड क्वाड्रिलेटरल, जैसे अभी हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को पढ़ा, इसी तरीके से जो रेल परिवहन है वो सड़क परिवहन था, इसी तरीके से जो रेल परिवहन जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल। किसके अंदर आता है, जैसे वो हमने बात की थी NHAI, इसके अंदर अंतर्गत आता है, यानी कि इसके मेंटेनेंस का काम ये कौन करता है, NHAI करता है। टाइप्स की हम बात करें रेलवेज की, अगर हम बात करें तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, जिसे हम आम भाषा में हम कह देते हैं बड़ी लाइन छोटी लाइन, जैसे हम कहते हैं तो बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। तो ये अलग अलग जो हैं एरियाज को, यानी कि छोटे एरियाज को जोड़ने के लिए जो छोटी पटरियां बिछाई जाती हैं, यानी कि जो रेलवे ये ट्रैक्स हैं इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसके बेस पर इसको मेजर किया जाता है, ब्रॉड है नैरो है। अब हालांकि जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा है तो नैरो गेज जो हैं वो लगभग ख़त्म कर दी गई हैं, बहुत ही कम जगह पर हैं, और ब्रॉड गेजेस जो हैं यानी कि बड़ी लाइन्स हैं उन्हीं पर ज़्यादातर जो ट्रैक्स हैं वो जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं। और अब तो और ज़्यादा हम देखें तो इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है हमारी ट्रेन्स को, कोयले से डीजल से अब जो है इलेक्ट्रीफाइंग सारा हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है। पहली ट्रेन की हम बात करें तो 1853 में मुंबई से थाने तक जो है वो पहली ट्रेन चलाई गई थी। यही हम देखें तो ये क्या है लार्जेस्ट जो रेलवेज है, लार्जेस्ट PSU यानी कि पब्लिक सर्विस यूनिट है, सार्वजनिक सेवा, इसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में हम देख लेते हैं इसे क्या कहा जाएगा, PSU जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण, लार्जेस्ट पब्लिक सर्विस यूनिट है ये रेलवेज। तो ये हमने पढ़ा रेलवेज के बारे में। अब हम बात करते हैं पाइपलाइंस की। पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक नया मोड़ है, एक नया साधन है, जिसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर हमें पाइपलाइन बेस का जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सेटअप लगाना होता है वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन टाइम बीइंग धीरे धीरे टाइम के साथ जो रेगुलर हमें उसकी कॉस्ट पड़ती है मेंटेनेंस की वो काफ़ी कम पड़ती है, हालांकि इनिशियल कॉस्ट इसकी काफ़ी हाई पड़ती है। क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल गैस है, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइपलाइंस हैं वो बेस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्ट मीन है। मुख्य नेटवर्क की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले असम टू कानपुर, ये कहाँ कहाँ से होकर निकलता है, गुवाहाटी, बरौनी और अलाहाबाद, तो ये इन एरियाज़ को कवर करता हुआ असम टू कानपुर मूव करता है। जो दूसरी पाइपलाइन है हमारी गुजरात से पंजाब, गुजरात में सलाया से पंजाब में जालंधर तक जाती है। किन किन एरिया से होकर निकलती है, वीरग्रह, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, इन चार इलाकों से होती हुई ये निकलती है। थर्ड जो गैस पाइपलाइन हम बार बार पढ़ते हैं HJV, हजीरा जो गुजरात के अंदर है, जगदीशपुर जो UP में है, और विजयनगर जो मध्य प्रदेश MP के अंदर है। तो इस तरीके से ये मुख्य जो पाइपलाइंस हैं इनके बारे में हम, हालांकि पहले भी इस पाइपलाइन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है और एक नया जो साधन है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का है। वाटरवेज यानी कि जल परिवहन के बारे में अगर हम बात करें तो ये चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, सुटेबल फॉर हैवी एंड बल्की मटेरियल्स, यानी कि हैवी और बहुत ज़्यादा बल्की मटेरियल को लाने ले जाने के लिए जो सबसे सुटेबल कन्वीनियंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का वो हमारे लिए वाटरवेज ही है। फ्यूल एफिशिएंट है एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी कि एक ही बार में हमें इतना सारा सामान ले जाना हो तो फ्यूल तो ऑटोमेटिकली कम ही लगेगा, तो फ्यूल एफिशिएंट हुआ, साथ के साथ इसे धुआं वगैरह कुछ ऐसा पॉल्यूटिंग एजेंट्स नहीं क्रिएट होते हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। हालांकि कई बार जो होता है जैसे शिप्स में से लीकेज होने लगती है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उससे जो है वो वाटर जो
पॉल्यूशन है वो हो भी सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली हम देखें तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अगर रेशियो की हम बात करें तो ट्रेडिंग यानी कि व्यापार के अंदर 95% और वैल्यू यानी कि मुद्रा के अंदर अगर बात करें तो 68% जो है वाटर वेज का परसेंटेज है। मेजर सी पोर्ट्स यानी कि मुख्य बंदरगाहों के बारे में अगर हम स्टडी करें तो देखिए जो हमारी कोस्ट लाइन है वो लगभग 7,516.6 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पर हमारे 12 लगभग बड़े पोर्ट्स हैं और 180 के करीब जो हमारे छोटे और मीडियम साइज के पोर्ट्स हैं। अब इनमें भी हम मुख्य पोर्ट्स की अगर हम बात करें, हालांकि इनमें से कुछ पोर्ट्स जो हैं हम अपने इंडस्ट्रियल चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कंडाला की हम बात करें जो कच्छ के अंदर है, आज़ादी के बाद बनाया गया पहला पोर्ट था, पहला बंदरगाह था, तो इम्पॉर्टेंट है कंडाला जो कच्छ के अंदर है, आज़ादी के बाद बनाया गया, इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया पहला पोर्ट था। मुंबई की हम बात करें तो मुंबई के अंदर जो पोर्ट है वो बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है, स्पेशियस है, नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ, वेल शेल्टर्ड यानी कि जो स्पेशियस है वहाँ पे जगह बहुत सारी है तो इजीली मेंटेन होती हैं सारी चीज़ें। इसी के साथ यानी कि मुंबई का यहीं पर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू एक जो पोर्ट है वो बनाया गया था यहाँ पे, वो क्या था, मुंबई पोर्ट के बोझ को कम करने के लिए, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पोर्ट जो सामान है, बहुत ज़्यादा लगेज लोडिंग होती थी तो उसको कम करने के लिए, इसके बोझ को कम करने के लिए, डीकंजेट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो बनाया गया। इसके बाद गोवा के अंदर जो है मार्मागाओ जो मुख्यतः आयरन ओर जो है इसको एक्सपोर्ट करता है, लो अयस्क को एक्सपोर्ट करने का काम करता है प्राइमरली, यानी कि मुख्यतः हम बात करें दूसरी चीज़ों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है लेकिन मुख्यतः इसका जो यूज़ किया जाता है मार्मागाओ गोवा के अंदर आयरन ओर के लिए, हम पढ़ चुके हैं। न्यू मैंगलोर जो कर्नाटका के अंदर है जो हमने पढ़ी थी कुद्रेमुख माइंस, कुद्रे जैसे हमने देखा था घोड़े के मुख के आकार की जो माइंस है, वहां से जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका से। यही कोची की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल साउथ के अंदर जो साउथ वेस्ट जो हमारा रीजन है वहां पर एंट्रेंस ऑफ लेगून, जो लेगून्स होते हैं उसकी एंट्रेंस पर है और नेचुरल हार्बर यहाँ पर है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि लेगून्स वाला नेचुरल हार्बर कौन सा है, तो वो है हमारा कोची। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स हमने यहाँ स्टडी किए। कुछ और पोर्ट्स की अगर हम बात करें, मेजर पोर्ट्स के बारे में अगर हम सभी पढ़ें तो टुटिकोरिन जो तमिलनाडु के अंदर है वो एक नेचुरल हार्बर है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो ये हमारा ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है बंदरगाह, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल यानी कि सबसे पुराना कृत्रिम जो बंदरगाह है वो कौन सा है, चेन्नई। इसी के बाद हम देखें जो विशाखापट्टनम है डीपेस्ट यानी कि सबसे गहराई के अंदर जो लैंडलॉक यानी कि जो ज़मीन से घिरा हुआ है, तो डीपेस्ट लैंडलॉक जो बंदरगाह है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। यहाँ से मुख्यतः जो आयरन ओर है लो अयस्क है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे ही पारादीप की हम बात करें तो उड़ीसा में है, यहाँ से भी जो आयरन एक्सपोर्ट किया जाता है। कोलकाता के अंदर हम देखें तो इनलैंड रिवराइन पोर्ट है जिसे हम टाइडल पोर्ट भी कहते हैं। जैसा भी हमने पढ़ा इनलैंड यानी कि हमारा जो अंतरदेशीय यानी कि हमारे देश के अंदर जो नदी तंत्र है उनके अंदर यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच का जो वाटरवेज है उसे हम क्या कहते थे, इनलैंड रिवराइन पोर्ट, जिसे टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है। ये हल्दिया यहीं पर हम देखते हैं इस कोलकाता पोर्ट को जो बोझ है इसका कम करने के लिए, इसको डीकंजेस्ट करने के लिए जो हल्दिया पोर्ट है वो बनाया गया है। नेशनल वाटरवेज की अगर हम बात करें, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज हैं वैसे ही हमारा नेशनल वाटरवेज भी है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है नेशनल वाटरवेज के लिए। यहाँ पर हम मुख्य जो वाटरवेज की अगर हम बात करें जो गंगा ब्रह्मपुत्र और केरला के अंदर है, इसके अलावा भी है मुख्यतः हम इनकी बात करेंगे तो नेशनल वाटरवेज जो गंगा नदी के ऊपर है जो अलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ने का काम करता है। नॉर्थ नेशनल वाटरवेज सेकेंड नंबर जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो सादिया और दुहरी को जोड़ने का काम करता है। इसी तरीके से नेशनल वाटरवेज जो थर्ड है जो केरला का कोस्ट कैनाल की जो नहरी इलाका है उसे हम क्या करते हैं, नेशनल वाटरवेज थर्ड का हम नाम देते हैं। तो ये कुछ है नेशनल वाटरवेज और कुछ इंपॉर्टेंट हार्बर से पोर्ट्स के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया वाटरवेज के बारे में। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन यानी कि संचार की। जैसा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कम्युनिकेशन एक ट्रायंगल की तरह हैं कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखिए जो पोस्टल नेटवर्क है इंडिया का वो जो है लार्जेस्ट नेटवर्क है। यही हम बात करें जो टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया के अंदर, इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट
नेटवर्क है टेलीकॉम का, मास कम्युनिकेशन जैसे हम कहें तो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, एट्सेट्रा, ये आदि, ये जो है ये मास कम्युनिकेशन, मास यानी कि बहुत बड़े लोगों, बहुत बड़ी जनसमूह को एक साथ जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। तो यहीं हम देखें तो इंडिया जो है फीचर फिल्म्स का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो मेल चैनल्स बनाए गए हैं, कुल 6-6 मेल चैनल्स बनाए गए हैं, जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिकल चैनल। इसी तरीके से जो मेल्स हैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास के अंदर जो कार्ड्स हैं या एनवेलप्स हैं इनको इंक्लूड किया जाता है, वहीं सेकेंड क्लास के अंदर बुक्स हैं या न्यूज़पेपर हैं या पीरियोडिकल्स हैं। पीरियोडिकल्स मतलब जो पीरियोडिक समय के साथ साथ जो है मैगजीन्स आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं, उन्हें हम पीरियोडिकल्स कहते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन यानी कि संचार के बारे में। यही हम देखें एयरवेज की अगर हमने बात की तो एयरवेज जो है देखिए ये फास्टेस्ट, अब हम जानते हैं जो बाय एयर अगर हम जाते हैं तो जो स्पीड है वो हमारी फास्टेस्ट होती है, कुछ ही समय में हम बहुत सारे किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो फास्टेस्ट है जो डिफिकल्ट टेरेन से यानी कि जहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है, मुश्किल है, बहुत ज्यादा, बहुत ही हार्ड है, तो वहां तक एयरवेज के थ्रू हम इजीली पहुंच सकते हैं। जो एयरवेज है इसको 1953 के अंदर नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण जो इसका है वो कर दिया गया था। और जो हमारी उड़ान नाम की जो इस टैगलाइन बनाई गई यानी कि आम आदमी की जो उड़ान है, आम आदमी के लिए जो है उड़ान नाम का एक बनाया गया इस तरीके से। और जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दो देशों के बीच की जो सर्विसेज वो एयर इंडिया देता है। इसी तरीके से जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी हम कह सकते हैं वो है, ये ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स को जो हमारे डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ तक इन प्रोडक्ट्स को पहुँचाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की इसको सर्विसेज अवेलेबल कौन सी कंपनी करवाती है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो ये हमने कम्युनिकेशन और एयरवेज को कंप्लीट किया। लास्ट हमारा बच जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को स्टडी करते हैं, यानी कि देखिए कुछ चीज़ें जो हैं हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, कुछ मंगवानी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं हम बाहर भेजते भी हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, आयात और निर्यात। तो आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इम्पोर्ट यानी कि आयात, एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात, हिंदी टर्म आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए एक एग्जिम पॉलिसी बनाई जाती है, एग्जिम एक्स फॉर एक्सपोर्ट इम फॉर इम्पोर्ट, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बैलेंस है इसको बनाने के लिए। सपोज हम कुछ चीज़ें सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, तो क्या होगा, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो बैलेंस है यानी कि ट्रेड का जो बैलेंस है वो तभी होगा जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो इक्वल रहे। अगर एक भी कम या ज़्यादा होता है तो इम्बैलेंस की स्थिति में जो ट्रेडिंग है वो हमारी इफेक्ट होती है। जो मोस्टली हम ट्रेड की बात करते हैं, जो व्यापार किया जाता है, मेनली मिनरल्स के लिए, फ्यूल्स के लिए या गोल्ड के लिए, मिनरल फ्यूल या गोल्ड के लिए किया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या प्रेशियस स्टोन्स का हम करते हैं। देशों की अगर हम बात करें तो इम्पोर्ट का जो काम है यानी कि निर्यात का जो काम है मेनली चाइना, उसके बाद यूएसए और उसके बाद सऊदी अरेबियन के, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो हम सामान कहाँ से लाते हैं, हम चाइना से लेकर आते हैं। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें यानी कि जो बाहर भेजते हैं हम सामान, तो इम्पोर्ट सॉरी आयात और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, तो सबसे ज़्यादा जो हम भेजते हैं यूएसए, उसके बाद यूएई और उसके बाद हांगकांग। तो ये हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड। इसी के साथ हम देखें जो टूरिज्म है, टूरिज्म यानी कि जो टूरिज्म यानी कि जो घूमने फिरने के लिए लोग जो आते हैं, हिंदी टर्म आप देख लीजिएगा। तो टूरिज्म में भी क्या है, जो रिवेन्यू है हमारा यानी कि जो सरकार की जो आय हम बात करें तो ओवरऑल क्या होगी, वो बढ़ती है। तो टूरिज्म भी एज अ बिजनेस जो है हमारी आज की फील्ड में जो है ग्रो कर रहा है। तो ये जो चैप्टर है हमारा आज हम यही कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर यही कंप्लीट हुआ। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 10th एनसीईआरटी, हालांकि बहुत लंबा समय लग गया लेकिन चलिए अंत भला तो सब भला। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स को आप यूज़ करें, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप हमसे पूछें ताकि हम सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आएँ। बाकी जैसे कि हमारा रूटीन बना हुआ है,
एक एनसीईआरटी कवर करने के बाद हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो कल आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, कल हम टेस्ट लेंगे और देखेंगे हमने कितना रिवीजन हमने किया या कितना कुछ हम कवर कर चुके हैं। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, डू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।